नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जेल की सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला को थोड़ी राहत के बाद एक बार फिर बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जबकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको 4 साल जेल की सजा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, और इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके नेता को जेल की सजा हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से ओम प्रकाश चौटाला को तगड़ा झटका लगा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला पर कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है ये, बहुत बड़ी खबर। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो सजा सुनाई है इसके साथ ही हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला में ओम प्रकाश चौटाला की जो संपत्तियां हैं उनको सीज कर दिए जाएं, ये कोर्ट ने कहा है। मार्च 2010 में 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप है ओम प्रकाश चौटाला पर, और ये आरोप सिद्ध हो जाने के बाद उन्हें 4 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए इस मामले में और गवाही पूरी करने में 7 साल लगे। देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला का बयान 7 साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हुआ था। ये हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटे अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला को भी आरोपी बनाया गया था। प्रताप सिंह की शिकायत पर 17 जनवरी 1997 को सदर थाना डबवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। प्रताप सिंह की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं प्रताप सिंह, और इन्हीं की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी, लेकिन इस जांच को आगे तब बढ़ाया गया जब ये जांच सुप्रीम कोर्ट तक गया था मामला, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था। जेबीटी भर्ती घोटाले में सभी सजा काट चुके हैं हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य, सीआरपीसी की धारा 120B, 418, 467, 471 और 13(2) और 13(1)(d) के तहत सजा पहले ही वो काट चुके हैं जेबीटी मामले में। ये धाराएं और उन्हीं के तहत उनको सजा हुई थी। चौटाला के बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अपनी सजा को काट चुके हैं पूरी तरह से। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, ओम प्रकाश चौटाला किस तरीके से आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए और उनको 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। ये पूरा मामला है, हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मार्च 2010 में 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से वैध आय से अधिक संपत्ति जुटाने के लिए चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने 106 गवाह पेश किए थे। गवाही पूरी करने में 7 साल लगे। चौटाला का बयान 7 साल बाद 16 जनवरी 2018 को दर्ज हुआ था। इस मामले में चौटाला के दोनों बेटे अभय सिंह, अजय सिंह चौटाला दोषी पाए गए थे। चौटाला के भाई प्रताप सिंह की शिकायत पर 17 जनवरी 1997 को सदर थाना डबवाली में
आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जांच के बाद इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जेबीटी भर्ती घोटाले में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो सजा काट चुके हैं, और उसके बाद सजा काटने के बाद उनकी रिहाई हुई थी, लेकिन अब 4 साल उनको फिर जेल में रहना पड़ेगा और कोर्ट ने उन्हें कोर्ट से ही जेल भेजने का आदेश दिया है। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर, जबकि उनके वकील ने दलील दी थी कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उनको अपना कपड़ा तक चेंज करने में मुश्किलें आती हैं, और किसी तरह सहारे के जरिए वो खड़े किए जा सकते हैं, वो जल्दी उठ बैठ भी नहीं पाते। इन मुश्किलों को देखते हुए चौटाला के जो आरोप थे वो बेहद आपत्तिजनक और गंभीर थे, और किस तरह से उन्होंने आय से अधिक संपत्ति जुटाई थी ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि चौटाला बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। उनको व्हीलचेयर पर कोर्ट तक लाया गया था, और उनके खिलाफ जो भी चार्जशीट दायर की गई, जो आरोप लगाए गए, वो पूरी तरीके से कोर्ट ने सही माना, और सही मानते हुए उनको 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है और उनको कोर्ट से ही जेल भेज दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और इंडियन नेशनल लोकदल को एक तगड़ा झटका लगा है इस पूरे प्रकरण में। 50 लाख का जुर्माना भी अब चौटाला को और उनके परिवार को भरना पड़ेगा। अदालत ने इसके साथ ही जुर्माना राशि में 50 लाख रुपए सीबीआई को देने का आदेश दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया है। मामले में अपील याचिका दायर करने के लिए 10 दिन की मोहलत ओम प्रकाश चौटाला को दी गई है। ओम प्रकाश चौटाला के अधिवक्ता की अपील को ठुकराते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में जाइए और वहां से आप आगे की कार्रवाई के बारे में कोर्ट से दरख्वास्त करिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार तक के लिए ये मामला स्थगित किया गया था, और अदालत ने 21 मई को 6.9 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दे दिया था। ये आज उनके जेल के सजा की अवधि को मुकर्रर किया गया, वो तय कर दिया गया, सजा उनको पहले ही सुना दी गई थी। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि 1993 और 2006 के बीच 7 बार के विधायक रहे चौटाला ने 6.9 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के स्रोतों से कहीं अधिक थी। हालांकि बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज केस के रूप में खारिज कर दिया था। 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और प्लॉट सहित 3.68 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी और मुकदमा दर्ज किया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी। ओम प्रकाश चौटाला को 2013 के जेवीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। चौटाला को 7 साल जेल की सजा और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। चौटाला ने इस मामले में 2 जुलाई 2021 को तिहाड़ जेल से उन्हें मुक्ति मिली थी, और अब उन्हें फिर से जेल में रहना होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को अब 4 साल जेल की सजा काटनी होगी आय से अधिक संपत्ति के मामले में। यही नहीं, उनके खिलाफ मामला साबित हो जाने के बाद उनकी कुछ संपत्तियों को भी अब सीज कर दिया जाएगा, और 50 लाख का जुर्माना जो लगाया गया है वो उन्हें सीबीआई के खाते में जमा कराना होगा, ये कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट रूम से ही उन्हें सीधे जेल भेज दिए जाने का आदेश दिया गया। इस तरह से
इंडियन नेशनल लोकदल को अब बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस पार्टी के संरक्षक और हरियाणा के चर्चित और बेहद लोकप्रिय रहे ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें लगातार जेल काटने और उम्र के इस पड़ाव पर वो बीमार स्थिति में है, व्हीलचेयर से वो कोर्ट लाए गए थे और अब उन्हें 4 साल के जेल की सजा काटनी होगी। और इस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार और उनकी पार्टी के सामने एक बार फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। क्या होगी आगे की कार्रवाई और किस कोर्ट की शरण लेकर इस सजा के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला के वकील दरख्वास्त करेंगे माननीय न्यायालय से, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या होगी वो स्थिति और परिस्थिति, हम आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।